तो एक और अपडेट आपको बता दें, शिवराज सरकार का किसान हित में एक बड़ा कदम देखने को मिला है। 11,19,000 किसानों का ब्याज माफ सरकार करने वाली है। 2,123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। कमलनाथ सरकार में आवेदन जमा करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। तो शिवराज कैबिनेट बैठक में इसको लेकर फैसला आज लिया जाना है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, साफ तौर पर 11,19,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। कमलनाथ सरकार में आवेदन जमा करने वाले किसानों को भी लाभ दिया जाएगा। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बड़ा फैसला आज सरकार लेने वाली है, किसानों को इससे फायदा भी हो सकता है? निश्चित रूप से फायदा होगा। जिस राशि का आपने जिक्र किया वो बड़ी राशि है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वो सब डिफॉल्टर किसान हैं जो किसान कर्ज माफी जिनकी नहीं हुई थी कमलनाथ की सरकार में। तो लाडली बैना के बाद किसानों के हित में एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। कैबिनेट की बैठक में आज ये निर्णय होने जा रहा है और इस निर्णय के साथ ही 11,19,000 किसानों को 2,123 करोड़ रुपए ब्याज माफ कर दिया जाएगा। तो इससे जो डिफॉल्टर की स्थितियां बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। कई बार सहकारी जो समितियां हैं उनसे उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार ने बहुत अलग तरह से इस योजना को तैयार किया है। और सीधे तौर पर कांग्रेस जो बार बार कहती कर्ज माफी हमने किया, लेकिन कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, जैसा उनका दावा 27 लाख का माफ हुआ था, लेकिन ये संख्या बड़ी है। अब उन लोगों का कर्ज जो वो माफ नहीं कर पाई थी उसका ब्याज माफ करने जा रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। तो 2023 से पहले ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो आज देखने को मिलने वाला कैबिनेट में, और भी कई सारे मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय आज किसानों के हित में यही होने जा रहा है। चलिए मनोज जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2,123 करोड़ रुपए का कर्जा और उसका जो ब्याज है वो माफ किया जाएगा। भोपाल सरकार आज, मध्य प्रदेश सरकार ये बड़ा फैसला कैबिनेट बैठक में ले सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी अहम फैसले आज लिए जाने हैं।